हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। जल्दी जल्दी से बात कर रहा हूँ क्योंकि जर्नी करने जा रहा हूँ। फिलहाल दोस्तों, क्या हाल चाल है। जल्दी जल्दी से बात कर रहा हूँ क्योंकि जर्नी करने जा रहा हूँ फिलहाल जयपुर अहमदाबाद राजधानी में। ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, 8 बजने वाले हैं, 8:30 का डिपार्चर है। अभी तुरंत पहुँचा हूँ नई दिल्ली। और ये देखिए, इधर ये अपनी लॉगिंग कर रहे हैं, इधर मैं कर रहा हूँ। नहीं वैसे ना यूं करके बात करते हैं, देखो यूं करके बात करते हैं। वैसे ना ये मंजर सिर्फ वंदे भारत पे बना था, याद है जो हम कैमरे लड़ा रहे थे अपने। बिल्कुल है, उसके बाद ही मंजर आज बना है। अभी ज़्यादा टाइम नहीं है यहाँ पे बाहर में, सीधा चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ। ऑफिस निकल के आ रहे सीधा जर्नी करने के लिए, इसलिए थोड़ा लेट हो गए। तो शुभ भाई चलते हैं सीधा स्टेशन पे। बिल्कुल फटाफट निकले, फटाफट निकले। तो दोस्तों चलते हैं और मिलते हैं अपनी अहमदाबाद राजधानी के साथ। पहुँच चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 के तरफ, 1 पर मतलब। और ये हमारी खड़ी है पीछे हमारी अहमदाबाद राजधानी, B4 कोच है हमारा। 15 मिनट पहले पहुँचे हैं यहाँ पे ट्रेन खुलने से, ट्रेन हवाई लगी हुई है। तो अभी एडसन क्रॉस कर रहे हैं, तो चलो B4 के पास मिलते हैं, ट्रेन में सामान रखते हैं और फिर कुछ बात करते हैं। चलिए मिलते हैं अपने डिब्बे के अंदर। तो दोस्तों कुछ सैनिटाइज़र वगैरह लेने थे हमें, वो जल्दी से हमने ले लिया है शॉप से। रेलवे स्टेशन पे आसानी से अवेलेबल है, वो जो हमें पैसे देते हैं उसको, वो थोड़ा ज़रूरी था ये लेना। साइड की जेब खोलने से सामान लेने के बाद हम लोग जा रहे हैं, खोल रहे हैं। खाने पीने का सामान तो यार ट्रेन में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेन में देख लेंगे। अभी लेने का टाइम नहीं, अभी देख लेंगे यार। अभी B2 पे है, अभी हम B2 है यहाँ पे, B2 है यहाँ पे, मैं बता रहा हूँ B2 है यहाँ पे। तो B4 पे चलते हैं, उसका भी देखते हैं खाने पीने का सामान। दोस्तों मिलते हैं फिर आगे जर्नी में, तो बताता हूँ आगे। पेप्सी हाँ ले लो, ले लो। एक पानी, दो पानी, पानी दो ले लो। ट्रेन में तो पता है मिलेगा नहीं मिलेगा, पता नहीं। आप पता नहीं ट्रेन में मिलेगा, ठंडा लगे ज़्यादा। नॉर्मल दे दो। ये है दोस्तों अपना वेटिंग रूम, खाने पीने का सामान ले रहे हैं अभी। वो ट्रेन में मिलेगा नहीं मिलेगा कुछ पता नहीं है, बस 5 मिनट रह गए हैं, जल्दी से लेकर के निकलना है। तो चलो सामान ले लिया, चलते हैं यहाँ से एडो वगैरह करते हैं। पहुँचेंगे जयपुर, बीच में से गुड़गांव रुकेंगे। तो ट्रेन हमारी नई दिल्ली से निकल चुकी है, प्लेटफॉर्म इसकी खो चुका है। तो चलिए
वहाँ पर गुड़गांव पर मिलेंगे, उसके बाद से सीधा जयपुर में अपनी जर्नी को ख़त्म करेंगे। तो बने रहिए जर्नी में हमारे साथ आगे और देखते हैं क्या रहती है इसकी रफ्तार और कितनी जल्दी हमें पहुँचा देती है। तो मिलते हैं आगे जयपुर। तो दोस्तों नई दिल्ली से निकलने के बाद दिल्ली कैंट को स्किप करने के बाद हम पहुंच चुके हैं गुड़गांव। 2 मिनट का वैसे तो स्टॉप है यहाँ पे, लेकिन बिफोर टाइम पहुंची है। देखते हैं तो 2 मिनट रुकते हैं या जो इसका शेड्यूल टाइम है उसी को छोड़ेंगे इसको। बाहर तो आ गए हम लोग, देखते हैं कितनी देर में खोलते हैं ट्रेन को। अगर टाइम पर खोलते तो घुस जाएंगे ट्रेन में, तो वेट करते बाहर में। चलिए दोस्तों ट्रेन मिलने के बाद आगे दोबारा सीधा जयपुर में मिलेंगे, क्योंकि ट्रेन का स्टॉप सीधा जयपुर में है और वहाँ पर जर्नी खत्म होगी अपनी। तो बने रही है हमारे साथ जर्नी में। मारते हुए रेवाड़ी अलवर की बांदी को स्किप मारते हैं, सीधा जयपुर उतरेंगे। तो चलिए चलते हैं खाना खाने के लिए। भूख लगी हुई यार दोस्तों, दोपहर में देखिए 1 बजे खाना खाया, तो उसके बाद सकते हैं खाना ज़्यादा खाना खाने। खाना खाने के बाद रेवाड़ी की स्किप के साथ मिलेंगे और फिर आगे जो जो चीज़ मिलती रहेगी वो कैप्चर करके आपको दिखाऊँगा। और तो इसके लिए जल्दी बने रहिए मेरे साथ जर्नी में। जस्ट अभी हमने क्रॉस किया रेवाड़ी, अगर भी नहीं स्किप हो गया इसका। अब यहाँ से निकलने के बाद अब हम अलवर क्रॉस करेंगे, अलवर के बाद बांदी में और जयपुर बांदी निकल कर जयपुर पहुँचेंगे। बने रही जर्नी में और क्या क्या स्किप मिलता है देखने को दिखाता हूँ रहूँगा आगे जर्नी में। तो चलिए मिलते हैं आगे जर्नी में। तो दोस्तों अभी रात में बीच में अचानक से आप लोगों के सामने आने के पीछे रीज़न ये था ना कि जो हमने उस वक्त खाना ऑर्डर किया था, जो मैंने आपको बताया था कि खाना बहुत ख़राब है, खाने का मन नहीं कर रहा, फेंक दिया था हमने खाना, वही खाने को लेकर के शुभम भाई ने अपने ट्विटर हैंडल पे इसको ट्वीट किया, जिसको कि आप जाके उनके ट्विटर पे चेक कर सकते हैं, कि उन्होंने रेलवे के DRM IRCTC और सबको IRCTC केटरिंग सबको उन्होंने ट्वीट किया और विद इन 1 घंटे के अंदर
जयपुर के DRM का जो कि फूड का इंचार्ज है, उनका कॉल आया शुभम भाई के पास और उन्होंने और जो पेंट्री कार में जो स्टाफ है वो स्पेशली शुभम भाई के पास आए और उन्होंने उनको कंपनसेशन दिया करीब 80 रुपये वापस करे और एक पानी की बोतल दी। वैसे तो फिलहाल खाना तो वैसे 160 रुपये का था लेकिन कंपनसेशन मिल गया, वो भी इतना, वो भी बहुत है। तो ये होती है एक फेमस यूट्यूबर की पावर और शिवम कुमार की पावर। ये मुझे बोलना ज़रूरी था क्योंकि मेरे अंदर ना बहुत खुशी हो रही थी कि जो खाना जो ख़राब मिला ना तो उसका थोड़ा सा कुछ मिला हमें बैक इसका। तो ऐसी चीज़ें मिलती रहती है ना तो बताने में मज़ा आता है। तो अब शिवम भाई आपसे बात करेंगे और थोड़ा और बताएंगे डिटेल में। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बता रहा था कि ट्रेन में खाना जो है बहुत ख़राब है, जिसको लेकर के मैंने ट्वीट किया। अब आप कहेंगे आपका मेरा मास्क आए तो भाई मेरे आसपास कोई नहीं है, मतलब सब सो सारे हैं तो मैं विदाउट मास्क घूम रहा हूँ यहाँ पे। तो ट्वीट करने के बाद एक घंटे बाद मुझे IRCTC से रिप्लाई आता है और रिप्लाई मुझे वो नंबर नंबर मांगते हैं, बात बात होती है मेरी और बात ख़त्म होते होते ही मेरे पास पेंट्री कार का मैनेजर आ जाते हैं। वो आकर के मेरी जो भी खाने की कॉस्ट थी उसको रिफंड करते हैं, साथ में ऑन रिवॉर्ड मुझे एक IRCTC की वाटर की बॉटल और प्लस ये ठंडी माजा जो कि आप देख सकते हैं वो एजाज भाई देंगे, तो वो जो है मिलती है जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब सी ऑल दो ट्वीट वगैरह के ऊपर बातचीत होती है बट पहली बार मैंने IRCTC के इतने ट्वीट रिस्पॉन्स को पर्सनली फील किया है जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। छती मत गिर रही हो भाई। पहले हम लोग पहुँच चुके हैं जयपुर जंक्शन। ट्रेन तो वैसे जयपुर के आउटर पे एक घंटा पहले पहुँच गई थी, 12 बजे ही पहुँच गई थी
लेकिन उन्होंने राजस्थान संपर्क क्रांति आकर के प्लेटफॉर्म नंबर 1 को लग गई थी, वो भी अपने समय से आधे घंटे पहले पहुंच गई थी 12 बजे। और जयपुर जंक्शन को सिर्फ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ट्रेनों को लिया जा रहा है, इस वजह से हमें करीब आधा घंटा जयपुर के आउटर पर रोका गया। जब वहाँ पे 12:25 पे राजस्थान संपर्क क्रांति का डिपार्चर हुआ, वो निकली वहाँ से, तब हमें वहाँ से डिपार्चर दिया गया और हमारा करीब 12:30 बजे यहाँ पे अराइवल हुआ है, जो कि 20 मिनट पहले बिफोर टाइम आए हैं यहाँ पे। तो जर्नी हमारी राजस्थान अहमदाबाद राजधानी की यहीं तक थी। अब जयपुर से हमारी जर्नी एक और होगी, वो कौन सी होगी वो आपको आगे बाद में पता लग जाएगा। तो फिलहाल हमारी अहमदाबाद राजधानी की जर्नी नई दिल्ली से जयपुर तक की यहीं तक थी। तो अगले किसी और जर्नी में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।